हिमाचल प्रदेश व्रत एवं त्योहारों की धरती है और यहाँ पर कई तरह के व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है जिसके नियम करवा चौथ से भी कठिन है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्य प्राप्ति के लिए करती हैं। ये हरितालिका का 30 का व्रत है। इसे पहाड़ी भाषा में चिड़ियों का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं समूहों में इकट्ठा होकर नाना प्रकार के फूलों से, फलों से और पत्तों से शिव भगवान की पूजा करती हैं और सौभाग्य प्राप्ति के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। हालांकि ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है और इस दिन इस व्रत के दौरान महिलाएं दो दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करती और चौथ के दिन के दूसरे दिन व्रत खोलकर भोजन करती हैं। हालांकि ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है और इस व्रत के दौरान महिलाएं दो दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करती और चौथ के दिन के दूसरे दिन व्रत खोलकर भोजन करती हैं और उसके बाद शिव भगवान के दर्शन करती हैं, आरती होती है और ये व्रत पूर्ण होता है। कहते हैं कि इस व्रत को पार्वती माता ने शिव भगवान को पाने के लिए किया था और जंगल में विभिन्न प्रकार के फूलों पत्तों से शिव भगवान की पूजा की थी और उसी की तर्ज पर महिलाएं आज भी बड़े उत्साह के साथ इस व्रत को करती हैं। नवविवाहित दुल्हन की तरह सजी महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाकर पूजा अर्चना करने के उपरांत व्रत को खोलती हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में महिला के साथ अठखेलियां करने के साथ चुंबन करने वाले मामले में नया मोड़ आया है। ग्राम पंचायत के इस वायरल हुए वीडियो में पंचायत प्रधान ने मामले की पूरी तरह से झूठा और साजिश करार दिया है। हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा के पास ग्राम पंचायत डाडू के प्रधान रतन चंद ने ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मामले की निष्पक्षता से जाँच करने की मांग की है। वही वायरल वीडियो में संलिप्त महिला वार्ड सदस्य ने भी पंचायत प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पंचायत प्रधान डाडू रतनचंद ने बताया कि वायरल वीडियो मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और सामान्य कैटेगरी के लोग नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि सामान्य कैटेगरी के लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसके चलते कुछ लोगों ने साजिश रची है। उन्होंने वायरल वीडियो को झूठा बताते हुए कहा कि वीडियो में संलिप्त महिला बच्चों के समान है। धर्मशाला से शिमला को रवाना होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व सांसद शांता कुमार से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने अकेले में करीब एक घंटे तक मंत्रणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हर मुलाकात का मकसद राजनीतिक नहीं होता है। मुलाकात में संगठन ये सरकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। धर्मशाला से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम चर्चा में आने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव है तो बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे विषयों पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान ही करती है। धर्मशाला के दूसरी राजधानी के मसले पर मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही कहा कि धर्मशाला उनके दिल में है। उन्होंने सौरभ वन विहार के बारे में कहा कि मानसून के बाद इस पर काम किया जाएगा, जिसे लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि पालमपुर नगर निगम के गठन पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए MOU किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री व शांता कुमार की इस मुलाकात के दौरान अन्य कोई भी नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। शांता कुमार से मिलने पालमपुर पहुँचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वापस लौटते समय लिफ्ट में फंस गए। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में निर्धारित संख्या से अधिक लोग आ गए थे, जिस कारण लिफ्ट फंस गई। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। यद्यपि कुछ ही समय में लिफ्ट को पुनः चालू कर दिया गया, परंतु जब तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा शांता कुमार बाहर नहीं आए, सुरक्षा कर्मी तथा स्टाफ की सांसें फूली रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से हटकर शांता कुमार से मिलने पालमपुर पहुंचे थे। ऐसे में मंत्रणा के पश्चात जब वे वापस लौट रहे थे तो ये घटना घटी। लिफ्ट में मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार, नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया तथा कुछ अन्य लोग सवार थे।
ज्वालामुखी पुलिस ने ट्रैफिक से रिलेटिव एक विशेष मुहिम चलाई गई, जो दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग व सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहन चालकों के चलान पुलिस उन्हें तंग करने के लिए नहीं बल्कि उनकी नीयत सुधारने के लिए करती है, ताकि वे आगे से ट्रैफिक के पूरे नियमों का पालन करें। इस संदर्भ में DSP तिलकराज ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सड़क हादसों में 70% वाहन दोपहिया ही होते हैं, जो ज्यादातर दुर्घटना का शिकार होते हैं। जो युवक बिना हेलमेट ट्रिपलाइडिंग बस सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों के चलान व उनके मोटरसाइकिल बॉन भी किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें जरूरत है कि पहले हम खुद ट्रैफिक के पूरे नियमों का पालन करें व बाद में दूसरों को सुधारें। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों को उनकी जिद पर वाहन थमा देते हैं, जबकि अभी तक उनके बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी तक नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए माता पिता भी कानून की नजर में उतने ही दोषी पाए जाते हैं जितने कि उनके बच्चे। उन्होंने कहा कि हमारा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सभी हेलमेट न डालें। उन्होंने कहा कि हम ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए लाभकारी है, न कि किसी और के लिए। अगर आंकड़े देखे जाएं तो लाखों लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, इनमें से ज्यादातर 15 से 25 की उम्र के युवक शामिल हैं। लाइफ में एडवेंचर के लिए तेज गाड़ी चलाना हादसे की वजह बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।